वेलकम स्टूडेंट इन योर सोशल स्टडी क्लास। जैसा कि आपको टाइम टेबल और सिलेबस मिल चुका है, तो सोशल स्टडीज़ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो चैप्टर 1, 2, 3 शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग। शॉर्ट आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है, जिनका मैं अभी आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये आप जो सामने देख रहे हैं, क्वेश्चन ए टिक द करेक्ट आंसर, ये चैप्टर वन की एक्सरसाइज है, आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर वन का। इसमें पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर, इसमें पहला पढ़ते हैं, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन। क्वेश्चन सही आंसर है। सेकंड वन, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, एशिया इज राइट आंसर। विच कॉन्टिनेंट इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नंबर फोर, विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट, आंसर इज यूरोप। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ओशन इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशन इज राइट आंसर। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। तो फिल इन द ब्लैंक्स में, नंबर वन, ब्लैंक हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फियर, मरकरी राइट आंसर, मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फियर। नंबर टू, मार्स हैज़ 95% इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर थ्री, द इक्वेटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका इज राइट आंसर। नंबर फोर, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट लैंड मास, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट लैंड मास। नंबर फाइव, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर वन, अर्थ्स एटमोसफियर कंटेन 21% ऑक्सीजन, इट इज ट्रू। नंबर वन इज ट्रू। नंबर टू, सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, इट इज फॉल्स, राइट इट फॉल्स। नंबर थ्री, देर आर अ नंबर ऑफ रेप्टाइल इन अंटार्कटिका, इट इज फॉल्स। नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया इज होम टू कंगारू एंड कोआला, इट इज ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ इज ट्रू। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ स्टेटमेंट इज नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अफ्रीका, इट इज फॉल्ट, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। नंबर डी, नंबर वन,
क्वेश्चन नंबर वन, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज मैच विथ यूरोप. नंबर टू, एंजल फॉल इज मैच विथ वेनेजुएला. नंबर थ्री, द आर्कटिक ओशन मैच विथ स्मॉलेस्ट. नंबर फोर, हिंद महासागर बी द इंडियन ओशन. एंड नंबर फाइव, मैरियाना ट्रेंच सी आंसर इज द पैसिफिक ओशियन. एंड शॉर्ट आंसर आपको मैं भेज चुका हूँ, एक बार फिर व्हाट्सएप पे शॉर्ट आंसर सारे भेज दूँगा, तो आप उनको चेक कर लें. और चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज देखते हैं. अब चैप्टर सेकंड, क्वेश्चन नंबर एट, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, द एक्सप्लोरर हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड वॉज फर्डिनेंड मैगलन. इट इज ट्रू, फर्डिनेंड मैगलन. नंबर टू, the length of the latitude is longest at B, equator. Number three, the value of the equator is zero is right answer. Number four, the total number of longitude are 180 is right answer. Now question number five. क्वेश्चन नंबर फाइव इज द डिग्री मेरिडियन इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन इज राइट आंसर. द प्राइम मेरिडियन इज राइट आंसर. क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड्स आर ग्रीनविच, लैटिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड longitude. Question number one, horizontal line are line of latitude, vertical lines are line of longitude. The equator is marked 0 degree latitude. Number four, the blank is marked 0 degree longitude, means prime meridian. Prime meridian is right answer. Number five, the prime meridian passes through a place called Greenwich. Question C, write T for true and F for false statement. 1. The Earth's axis is tilt at an angle of 66.5 degree. It is false, because right answer is 23.5 degree. तो ये फॉल्स कर देंगे आप. नंबर टू, द प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन. डेटा लाइन नहीं, डेट लाइन, डी ए टी ई, डेट, इसको करेक्ट कर लें, डी ए टी, डेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. इट इज फॉल्स. इसको फॉल्स कर लेंगे. नंबर थ्री, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर. इट इज ट्रू. द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द अदर नेम ऑफ द प्राइम मेरिडियन. इट इज फॉल्स. Number five, to locate a place on globe, we must know its latitude and longitude. True. Now fill in the blanks. Question D, complete the series. Tropic of Cancer 23.5 north. Tropic of Capricorn is 23.5 south. Number two, equator
means latitude, and prime meridian is to longitude. Number 3, meridians is to longitude, therefore parallel is to latitude. Number 4, north pole is to 90 degree, then therefore south pole is to 90 degree south. It is 90 degree north, it is 90 degree south. 5, Arctic Circle is to N means north, therefore Antarctic Circle is to south, S. And chapter number 3. Chapter number 3, question A, tick the correct answer. Nicholas Copernicus said the earth revolves around the sun. Sun is the right answer. Number 2, the revolution of the earth causes seasons. Season is the right answer. Number 3, while rotating the earth moves from west to east. From west to east. And 4th, seasons are caused by the tilt in the axis is right answer. And 5 question. Question number 5. The winter solstice marks the first day of winter. 6, equinox is there when the sun passes directly over the equator. Equator is right answer. Question B, fill in the blanks with given words, and given words are 24 hours, poles, counterclockwise, northern and southern. Number 1, the earth spins in a blank direction. Answer is counterclockwise. The earth spins in a counterclockwise direction. Number 2, to rotate once on its axis, the earth takes about 24 hours. Number 3, our earth is flattened at the poles. Poles, P-O-L-E-S, poles. Our earth is flattened at the poles. 4, December is cold in northern hemisphere. December is cold in northern. Northern is right answer, northern hemisphere. Number 5, southern hemisphere experience cold weather in June. The 5th का आंसर है southern. Question number C, write T for true statement and F for false. 1, in the southern hemisphere the sun rises in the west. It is false. 2, around June solstice the northern hemisphere is tilted toward the sun. It is true. 3, the direction of the tilt of the earth never change. It is true. The winter solstice marks the first day of winter season. It is true. Number 5, the spring equinox occur in September. It is true. Match the column. Number 1, revolution is matched with 365 and 1/4 days. Rotation
24 hours, equinox, equal day and night. 3, equal day and night. Number 4, 23.5 degree tilt in the axis of the earth. And last 5, 21 March is matched to the spring equinox. Spring equinox. तो स्टूडेंट, आपको ये 3 चैप्टर की एक्सरसाइज का रिवीजन कराया गया है। आपने सब ये कॉपी में नोट किया होगा या बुक में फिलअप किया होगा। इसको आपको लर्न करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा शॉर्ट आंसर जो क्लास हो गया आपकी, शॉर्ट आंसर के सारे आंसर में नेक्स्ट पीरियड में यानी कल की क्लास में फिर आपको कराऊँगा। तो अभी आप ये सारा वर्क, अगर आपका कुछ छूटा है तो कम्प्लीट कर लें, और अगर कंप्लीट है तो उसको लर्न कर लें। लर्न करें और लिख के देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ऐसा तैयार करें आप उसको, ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आप अपना पेपर सॉल्व कर लें। तो इसी के साथ ही आज का पीरियड ओवर होता है, और शॉर्ट आंसर में नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊँगा। ओके स्टूडेंट, बाय।